सो हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं फुल्ली ऑटोमेटिक वुड फार्म, जिसके अंदर आप लोगों को किसी भी टाइप के ट्री को कट करना नहीं पड़ेगा एंड आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे वुड मिलने वाला है। बेसिकली ये 5-in-1 फार्म है, जिसमें आप लोगों को एक बेम्बू भी मिलने वाला है और उस बेम्बू से आप बेम्बू ब्लॉक बना सकते हो एंड उससे आप लोग वुड बना सकते हो। सो ये बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है। उसके अलावा भाई चैनल को जल्दी से जाओ प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बिकॉज भाई हम 50K के बहुत ही ज्यादा करीब है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फार्म बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो ये फार्म बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे 2 चेस्ट लेनी है, 9 हॉपर लेने हैं, 1 डर्ट, 8 सैंड, 4 ऑक्साइन, उसके अलावा 2 वाटर बकेट लेनी है जिससे आप इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना सके, 4 केल्प लेने हैं, 1 बेम्बू लेना है, 1 रेडस्टोन रिपीटर लेना है, 7 रेडस्टोन टॉर्चेस लेनी है, 4 कंपोस्टर लेने हैं, 23 रेडस्टोन, 4 स्टिकी पिस्टन और 5 पिस्टन लेने हैं, उसके अलावा 2 ग्लास लेने हैं, 1 डिस्पेंसर लेना है, 4 ट्रैपडोर लेना है, आप किसी भी टाइप के ट्रैपडोर का यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसके अलावा ग्लास पैन लेने हैं, 4 क्वार्ट्ज ब्लॉक लेने हैं, स्लैब में भी आप किसी भी टाइप के स्लैब का यूज कर सकते हो, सिर्फ स्लैब्स होने चाहिए, उसके अलावा 6 लैडर्स और उसके अलावा सॉलिड ब्लॉक्स आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे क्वार्ट्ज के ब्लॉक यूज करने वाला हूँ क्योंकि भाई उसका लुक थोड़ा बहुत बेटर होता है। सो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे किसी भी एक ओपन स्पेस पे आ जाना है एंड यहाँ पर ये भाई ये चंक है, वो चंक भाई चंक के अंदर ही बनाना है ये फार्म तो ही वर्क करेगा। और चंक को कैसे फाइंड करते हैं तो भाई मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसके अलावा भाई ऊपर आई बटन पे भी एक वीडियो आ रही होगी जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि भाई चंक की बॉर्डर कैसे फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक ले लेना है एंड इस ब्लॉक को भाई यहाँ पर 2 ब्लॉक ऐसे लगा देने हैं, 1 ब्लॉक इधर ऐसे लगाना है, 1 इधर लगाना है एंड सेंटर वाले ब्लॉक को यहाँ पे तोड़ देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है लीवर एंड लीवर को भाई इधर लगा देना है, उसके बाद भाई आपको इधर आना है, रेस्टोरेंट टॉर्च यहाँ पे ले लेनी है, रेस्टोरेंट टॉर्च को यहाँ पर नीचे लगा देना है, उसके बाद रेस्टोरेंट रिपीटर को यहाँ पर इस तरह से लगा देना है जिससे इसका जो फेस होगा वो भाई इस तरफ रहे। देन आप लोगों को यहाँ पर ले लेनी है रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे लगा देनी है, जिसकी वजह से हमारी जो रेस्टोरेंट क्लॉक होगी वो भाई यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर जाएगी। अभी इसको हम टेम्पररी बंद कर देते हैं। नाउ दोस्तों अब आपको लोगों को यहाँ पे ब्लॉक ले लेना है एंड यहाँ पर आप लोगों को 6 ब्लॉक यहाँ पर ऐसे लगा देने हैं और 6 ब्लॉक भाई यहाँ पर आगे भी लगा देने हैं। देन 3 ब्लॉक्स यहाँ पर ऐसे लगाना है एंड दूसरी साइड पे हमें आ जाना है, इधर भी 3 ब्लॉक्स यहाँ पर ऐसे लगा देने हैं। देन हमें ले लेना है यहाँ पे स्टिकी पिस्टन और स्टिकी पिस्टन को भाई यहाँ पर ऐसे 4 स्टिकी पिस्टन ऐसे हमें यहाँ पे लगा देने हैं। देन हमें यहाँ पर बैक साइड में आ जाना है एंड यहाँ पर हमें ब्लॉक लेके ये जो स्टिकी पिस्टन इसके पीछे यहाँ पे 4 ब्लॉक ऐसे लगा देने हैं। देन हमें रेस्टोरेंट ले लेनी है एंड रेस्टोरेंट को भाई यहाँ पर ऐसे लगा देना है और जो ये स्टिकी पिस्टन है उनको रेस्टोरेंट से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, जिसकी वजह से जो भाई स्टिकी पिस्टन होंगे वो भाई यहाँ पर आगे की ओर आ जाएंगे। देन हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है सैंड, हमें सैंड को यहाँ पर आगे रख देना है स्टिकी पिस्टन के एंड उसके अलावा बाकी की जो सैंड है उसको भाई यहाँ पर ऊपर रखना है, मतलब पिस्टन के एग्जैक्टली यहाँ पर ऊपर रखना है एंड ध्यान रखना भाई यहाँ पे नीचे स्टैंड ना लगा दो आप लोग। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को ब्लॉक लेना है एंड ये जो हमारी सैंड है उसके आसपास आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक्स को लगा देना है। नाउ दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक ले लेने हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को 4 ब्लॉक ये जो हमारी सैंड है उसके पीछे आप लोगों को ऐसे लगा देने हैं। देन आप लोगों को यहाँ पे ले लेने हैं पिस्टन्स एंड हमारे जो ये ब्लॉक है इनके ऊपर आप लोगों को पिस्टन कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देने हैं। देन आप लोगों को ब्लॉक्स लेने हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को 9 ब्लॉक्स लगा देने हैं। देन यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर भी 9 ब्लॉक्स लगाने हैं। देन जो हमारे पिस्टन है उनके ऊपर भी आप लोगों को ब्लॉक्स को लगा देना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेने हैं स्लैब्स एंड यहाँ पर हमें 3 स्लैब्स को कुछ इस तरह से यहाँ पे 4 स्लैब्स को लगा देना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेने हैं ट्रैपडोर्स एंड इसके आगे हमें ट्रैपडोर्स को कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देना है जिसकी वजह से ये ओपन एंड क्लोज यहाँ पर हो सके। देन आप लोगों को यहाँ पर ले लेने हैं ब्लॉक्स एंड इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ पर 3 ब्लॉक्स यहाँ पर ऐसे लगाने हैं, 3 ब्लॉक्स यहाँ पर ऐसे एंड फिर यहाँ पर सेंटर में भी आप लोगों को सारे के सारे ब्लॉक्स लगा देने हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है कंपोस्टर एंड हमारे जो यहाँ पे सैंड लगी हुई है उसके आगे आप लोगों को यहाँ पे 4 कंपोस्टर को कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देना है, जिसके अंदर भाई जितना भी हमारा कैल्प आएगा वो भाई कंपोस्टर में आएगा एंड कंपोस्टर उसको बोन मिल में कन्वर्ट करेगा। सो इसके बाद हमें यहाँ पर आ जाना है, इधर अंदर की साइड आ जाना है एंड यहाँ पर हमें बैठ जाना है एंड हमें यहाँ पे ले लेने हैं हॉपर एंड उन हॉपर को भाई यहाँ पर बैठ के ऐसे लगा देना है जो हमारे कंपोस्टर के ऊपर लग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है कि जो हमारा हॉपर है वो भाई यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ हो, जिसकी वजह से वो भाई डायरेक्टली जितना भी कैल्प है वो डायरेक्ट इसके अंदर पहुंचा सके। नाउ इसके बाद हमें यहाँ पर आ जाना है एंड हमें ले लेना है डिस्पेंसर, डिस्पेंसर को कुछ यहाँ पे इस टाइप से रख देना है। देन हमें यहाँ पर आ जाना है, हमें हॉपर ले लेना है, हम बैठकर यहाँ पर हॉपर को कुछ इस तरह से लगा देना है जिसकी वजह से जितना भी भाई बोन मील यहाँ पे जमा होगा वो डायरेक्ट हमारा जो डिस्पेंसर उसके अंदर जा पाए। नाउ हमें यहाँ पे ग्लास पेन्स ले लेने हैं एंड यहाँ पर आ जाना है एंड यहाँ पर हमें 8 ग्लास पेन ऐसे लगा देने हैं।
सो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फार्म के इस साइड आ जाना है एंड आप लोगों को यहाँ पे ले लेनी है लेडर्स एंड यहाँ पर आप लोगों को लेडर्स लगा देनी है जिसकी वजह से भाई आप लोग यहाँ पर ऊपर यहाँ पर चढ़ सको। नाउ दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर आ ले जाना है एंड साइन बोर्ड्स ले लेना है एंड यहाँ पर ये जो हमारे ट्रैपडोर्स है इनको भाई यहाँ पर ओपन कर देना है। देन यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर जो ऊपर वाला जो ये ब्लॉक है भाई ऊपर वाला जो हमारा ये इधर आप लोगों को साइन बोर्ड्स को लगा देना है। देन इसके बाद आप लोगों को वाटर ले लेना है। आप लोग यहाँ पे इनफाइनाइट वाटर सोर्स भी बना सकते हो या तो आप नॉर्मली वाटर भी लेकर आ सकते हो एंड यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से वाटर को डाल देना है जिससे इसका जो फ्लो होगा कुछ इस टाइप से यहाँ पे बन जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है कैल्प एंड यहाँ पर जो हमारी सैंड है इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे हमारा जो कैल्प है उसको ऐसे लगा देना है। देन हमारे जो ट्रैपडोर है उनको भाई यहाँ पे बंद कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कैल्प का काम था वो भाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड अब हमें यहाँ पे जो हमारा बैम्बू के लिए जो फार्म बनाना है वो हमें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे तो आप लोगों को दो ब्लॉक्स को यहां पर डाल देना है यहां पर कुछ इस तरह से। देन आप लोगों को यहां पर आ जाना है एंड उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक ब्लॉक ऐसे रखना है। देन उसके ऊपर आप लोगों को यहां पर पिस्टन लेना है एंड पिस्टन को कुछ यहां पर इस तरह से रख देना है। एंड भाई यहां पर मैंने गलती कर दी थी, जो हमारा जो डिस्पेंसर है उसको इधर नहीं लगाना था, उसको भाई कुछ इस तरह से यहां पर लगाना था, सॉरी वो गलती हो गई थी। सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ब्लॉक ले लेना है एंड उसके बाद हमें यहां पर 9 ब्लॉक्स यहां पर लगा देना है। देन हमें 3 ब्लॉक्स यहाँ पर इधर लगा देने हैं एंड 2 ब्लॉक भाई इधर लगा देने हैं एंड यहाँ पर नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर हमें तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स को कुछ इस तरह से यहाँ पे तोड़ देना है एंड फिर हमें यहाँ पर आना है एंड हमें यहाँ पे ले लेनी है चेस्ट यानी एंड यहाँ पर 2 चेस्ट को कुछ इस तरह से लगा देना है। देन हमें यहाँ पे अंदर की ओर आ जाना है एंड हॉपर ले लेना है एंड हॉपर लेके हमें यहाँ पे बैठकर हॉपर को कुछ इस तरह से लगा देना है जिससे हमारा हॉपर जो है वो भाई यहाँ पे अंदर कनेक्ट हो जाए हमारी चेस्ट से। उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेनी है डर्ट एंड डर्ट को भाई यहाँ पे लगाने के बाद हमें बैम्बू लेके उसके बैम्बू को लगा देना है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो बैम्बू का फार्म है वो भी भाई यहाँ पे सही से वर्क करने लगेगा। नहीं हमें ग्लास ब्लॉक ले लेने हैं एंड यहाँ पर बैठकर हमें 2 ग्लास को कुछ इस तरह से लगा देना है। तो दोस्तों अब लास्ट में यहाँ पे बाकी रहती है जो हमें रेडस्टोन सिस्टम यहाँ पे पूरी बनानी है वो भाई यहाँ पे बाकी रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ले लेना है एक ब्लॉक एंड उस ब्लॉक को भाई यहाँ पर ऐसे लगा देना है। देन आप लोगों को रेडस्टोन टॉर्च लेनी है, रेडस्टोन टॉर्च को यहाँ पर ऐसे लगा देना है जिसकी रेडस्टोन टॉर्च यहाँ पे बंद हो जाएगी। देन आपको फिर से ब्लॉक लगाना है एंड ये रेडस्टोन के ऊपर एक ब्लॉक लगाना है, फिर रेडस्टोन लेनी है, रेस्टोरेंट इसके ऊपर लगानी है, देन ब्लॉक लेना है एंड रेस्टोरेंट के ऊपर यहाँ पे लगाना है, देन आप लोगों को टॉर्च लेनी है एंड यहाँ पर ऐसे लगा देनी है, देन आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक्स ले लेने एंड 5 ब्लॉक्स इस तरह यहाँ पर लगा देने हैं। देन आप लोगों को यहाँ पे रेस्टोन लेना है जिसकी वजह से हमारे जो सारे के सारे पिस्टन वो भाई यहाँ पे कनेक्ट हो सके। सो यहाँ पर रेस्टोन कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से यहाँ पे रेस्टोन ले लेनी है एंड यहाँ पर आप लोगों को 3 रेस्टोन इधर लगा देनी है। देन आप लोगों को ब्लॉक लेना है एंड ब्लॉक यहाँ पर ऐसे लगा देना है, फिर आपको एक रेस्टोन टॉर्च लेनी है एंड भाई इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे लगा देना है एंड ब्लॉक लेके इसके ऊपर एक और यहाँ पर ब्लॉक लगा देना है। देन आपको रेस्टोन टॉर्च फिर से लेनी है एंड यहाँ पर रेस्टोन टॉर्च लगा देनी है। देन आपको लास्टली यहाँ पे 2 बतौर रेस्टोन लेना है एंड यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है जिसकी वजह से जो हमारी रेस्टोन क्लॉक थी उससे भाई ये वाला जो पिस्टन है वो भी भाई यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अब भाई एक ही चीज बाकी रहती है, भाई यहाँ पर डिस्पेंसर को भाई अब कनेक्ट करना है। तो डिस्पेंसर को कनेक्ट करने के लिए सिंपली से आप लोगों को यहाँ पर ये जो 4 ब्लॉक्स है भाई इनको यहाँ पर तोड़ देना है। देन यहाँ पर आप लोगों को रेस्टोन 6 रेस्टोन यहाँ पर ऐसे लगा देना है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फार्म कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, जैसे आप लोग यहाँ पर आ जाना एंड भाई यहाँ पर ये जो 2 ब्लॉक्स है भाई इधर ये 2 ब्लॉक्स को यहाँ पे तोड़ देना एंड यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो सैंड है वो भाई यहाँ पे नीचे ना आ जाए। अगर भाई यहाँ पे नीचे आ जाती है तो भाई यहाँ से सैंड हटा देना एंड भाई ऊपर फिर से सैंड लगा देना, तो भाई फार्म फिर से वर्क करने लगेगा। कभी कभी लोगों का वर्क नहीं करता एंड सैंड की वजह से भाई फिर बंदे नीचे आके कमेंट्स में बोलते हैं, तो भाई ऐसा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ इसका जो वर्किंग है वो भाई अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फार्म यहाँ पे रेडी हो चुका है, लेकिन भाई यहाँ पर एक दिक्कत आ चुकी है। मतलब ऐसा हुआ है कि जो ये फार्म था भाई मैंने गलती से यहाँ पर बॉर्डर पे बनाया हुआ है। मतलब मेरे को लगा था कि भाई चल जाएगा, लेकिन भाई ये कंप्लीटली लास्ट में यहाँ पे बॉर्डर को टच हो गया एंड उसकी वजह से भाई इतना परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा। आप बनाए तो आप सेंटर में बनाना, लेकिन भाई मैं बता देता हूँ, देखो वर्क तो कर रहा है। देखो जैसे जैसे मैंने इसको ऑन करा तो यहाँ पर ये कैल्प ग्रो हो रहा है एंड यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो भाई कैल्प ग्रो नहीं हो पा रहा। फिर इसको ऑन करके ऑफ करता हूँ तो भाई फिर से वो वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर इशू वही हुआ है कि भाई मैंने बॉर्डर पे बना दिया एंड उसकी वजह से कंटिन्यूस वर्क नहीं कर पा रहा। लेकिन आप यहाँ पे सेंटर में बनाओगे तो भाई ये कंटिन्यूस वर्क करेगा, जो कि भाई मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ।
देन मैं आपको यहाँ पे वर्किंग समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे से ये कैल्प यहाँ से आ रहा है, उसके बाद वो इधर आता है एंड यहाँ पर कंपोस्टर में वो बॉन मिल बन जाता है एंड बॉन मिल बन के वो भाई इधर आ जाता है एंड इधर जो बैम्बू है वो भाई ग्रो होता है उसकी वजह से। एंड जैसे बैम्बू ग्रो होगा ये भाई पिस्टन उसको यहाँ पे कट कर देने वाला है एंड उसके बाद भाई यहाँ पर अंदर जितना भी बैम्बू यहाँ पे जमा होगा वो भाई इधर आ जाएगा एंड इस बैम्बू से आपको नॉर्मली यहाँ पे बैम्बू ले लेना है एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये जैसे ये क्राफ्टिंग टेबल ले लेना है एंड यहाँ पर मैं रख देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल इधर। नाउ हमें यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर ऑन करना है एंड यहाँ पर ये जो हमारे पास बैम्बू पड़े उससे भाई हम यहाँ पे बैम्बू का ब्लॉक बना सकते हैं एंड जो बैम्बू का ब्लॉक बना इसको भाई यहाँ पर रखेंगे तो बैम्बू से हम यहाँ पे प्लैंक बना सकते हैं तो हमें इजीली भाई यहाँ पे वुड मिल जाने वाला है। एंड भाई ये जो इशू हुआ है वो भी आप लोग एक बार देख लेना क्योंकि भाई ये फार्म तो वर्क करता है, भाई पहले भी मैंने यहाँ पे वर्क करवाया हुआ है, बस आप लोगों को एक ही चीज़ करनी है, फार्म को थोड़ा पीछे बनाना है, जो हमारी चंक बॉर्डर उसके ऊपर नहीं बनाना, उसकी वजह से भाई यहाँ पर इशू हो गया है। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आज का लाइक हम करते हैं 350 लाइक्स का एंड उसके अलावा भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना भाई, 50K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हमें कंप्लीट करने हैं भाई नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के अंदर, तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड भाई मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना आप लोगों का फार्म ये भाई कैसे वर्क कर रहा है। एंड भाई एक बात का ख्याल रखना, ये जो फार्म बना वो भाई चंक बॉर्डर के सेंटर में बनाना, मैंने गलती से भाई यहां पर बना दिया तो बराबर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग बनाना इजीली वर्क कर जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।